हे hey गाइस, तो चलो जब तक मेरी छोलों की सब्जी बन रही है जब तक खुद को न्यूज़ से अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ से अपडेट करना बहुत ज़रूरी है भाई। ये तो मैं जान चुका हूँ, आज है 12th of February 2022 और आज है शायद हग डे, वैलेंटाइंस डे का। तो फर्स्ट न्यूज़ है, कोई शो आ रहा है अभी, स्ट्रीम करें रॉकेट बॉयज, पूरा एड शो शो के प्रमोशन से भरा पड़ा है पूरा फ्रंट पेज जो है। और नेक्स्ट न्यूज है 556.3 करोड़ बजट, नीलामी में 590 खिलाड़ी, 217 चुने जाएंगे। 27 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल का मेगा ऑक्शन आज से, और ये इस पूरे खेल के मनी प्लेयर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 611, दिल्ली कैपिटल्स 370, राजस्थान रॉयल 249, कोलकाता नाइट राइडर्स 543 करोड़, पंजाब किंग्स 318 करोड़, मुंबई इंडियंस 761 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 536 करोड़, सनराइजर हैदराबाद 442, लखनऊ सुपर जॉइंट्स गुजरात टाइटंस। ये एक रिसर्च है जो मैं नेक्स्ट पढ़ने जा रहा हूँ। ब्रिटिश हेल्थ एक्सपर्ट ग्रीम टॉमलिसन ने वजन घटाने से जुड़े मिथक और उनकी असलियत बताई। शाम 6 बजे के बाद खाकर जिम जाए बिना भी घटा सकते हैं वजन, पसंदीदा गतिविधि करें, बदलाव जानने के लिए अपनी तस्वीर देखें, एक्सपर्ट। सो गाइस, लाइक इस कमर ऑफ द स्टोरी ये है कि डू वट एवर यू लाइक एंड जस्ट एंजॉय एंड डोंट टेक द प्रेशर हियर, इट रियली वर्क्स। हमारे सिटी से बहुत अच्छी न्यूज़ है भोपाल से, ये है कि खाद्य और औषधि प्रशासन शुरू करेगा पायलट प्रोजेक्ट, मंदिर फुटपाथ और रैन बसेरा में एनजीओ पहुंचाएगा खाना, अन्नदान। शहर के 2000 होटल रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन में बचे हुए खाने को कलेक्ट कर 5 से 10 हज़ार जरूरतमंदों को बांटेंगे, मकसद कोई भूखा ना रहे। हैट्स ऑफ टू दिस पायलट प्रोजेक्ट। और आज के मोटिवेशन सेक्शन में है, आज का दिन 101 साल पहले संसद की नींव, 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट प्रिंस आर्थर ने दिल्ली में संसद भवन की आधारशिला रखी, 6 साल में बनकर तैयार हुआ। और एक वर्ल्ड वाइड न्यूज़ ये भी है कि बिना पायलट से उड़ा हेलीकॉप्टर, किंटुकी मीन्स यूएस, दुनिया में पहली बार हेलीकॉप्टर बिना पायलट के उड़ा। अमेरिका के डिफेंस आर्म रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने लॉकहीड मार्टिन के साथ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की करीब आधे घंटे उड़ाया और फिर लैंडिंग की। यह युद्ध में सैनिकों के लिए उपयोगी होगा, यस ऑफ कोर्स, बट वॉर ना हो तो ही अच्छा है। डीजल का उपयोग कृषि में खत्म करने का लक्ष्य, न्यू दिल्ली। ग्रेट न्यूज, भारत 2024 तक कृषि क्षेत्र डीजल मुक्त करेगा, इसके लिए नवीनीकरण ऊर्जा का 100% इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया। गाइस, जिस हिसाब से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उस हिसाब से तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, काश ऐसा हो जाए तो सभी जो फार्मर्स हैं, हमारे जो बैकबोन है हमारे कंट्री की, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओ, वेस्ट इंडीज पर पहली बार क्लीन स्वीप, क्रिकेट लवर्स। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा वनडे 96 रन से जीत कर सीरीज 3-0 से अपने नाम की, शून्य मीन्स जीरो। टीम इंडिया ने विंडीज पर वनडे में पहली बार क्लीन स्वीप किया, भारत ने 265 रन बनाए, इंडीज टीम 37.1 ओवर में 169 पर ढेर हो गई। श्रेयस अय्यर 80 प्लेयर ऑफ द मैच रहे, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया। ओ गाय, और हमारी सिटी से फिर एक बहुत ही यूनिक न्यूज है, अनूठा मंदिर, शहर की एकमात्र रत्न 24 ही जहां सभी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, ये आई थिंक शायद जैन सोसाइटी से है, अलग अलग रंगों के पत्थरों से तैयार की है देव प्रतिमा, सभी वेदियां सोने से बनाई गई। मंदिर में 59 इंच ऊंची अष्ट धातु से बनी भगवान अजीतनाथ की प्रतिमा, 10 से 15 लाख खर्च हुए हैं एक प्रतिमा के निर्माण पर, 2 करोड़ लागत, जिस भगवान का जैसा रूप प्रतिमा भी उसी रंग की, मार्बल का उपयोग। नेहरू नगर का यह जिनालय सफेद रंग का है,
अधिकांश हिस्से में मार्बल है। प्रत्येक प्रतिमा के लिए एक छोटे मंदिर का निर्माण कराया गया है। प्रतिमा बनाने से लेकर मंदिर में कलाकृति उगेरने का काम राजस्थान के कारीगरों ने किया है। गाइज, अगर मुझे मौका मिला तो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मैं ज़रूर जाऊंगा यहाँ पे, और आप लोगों को भी विजिट कराऊंगा फॉर श्योर। ओ, PhD अवार्ड, कंग्रेचुलेशन मनीता सक्सेना, प्रिंसिपल SOA IPS एकेडमी, हैज बीन अवार्डेड द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी फ्रॉम मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर सुप्रिया व्यास, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, फॉर द टॉपिक पॉलिसी फ्रेमवर्क मॉडल टू एसेस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्ल अर्बन एरियाज, स्टडी ऑफ इंदौर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मनीता सक्सेना मैम, आपको PhD के लिए बहुत 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 सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये एक बहुत अच्छा ठीक है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तरह बढ़ेंगी सुविधाएं। मोहल्ला क्लिनिक में बदलेगी संजीवनी, 50 नहीं हर 20,000 आबादी पर होगा। 1 अप्रैल से हो सकता है बदलाव, लेकिन बजट की सबसे बड़ी चुनौती। ये न्यूज़ है भोपाल में। तो गाइस, तो इससे लोगों को फर्स्ट एड, अर्जेंट फर्स्ट एड और जो भी हल्का फुल्का बुखार या बेसिक ट्रीटमेंट है हेल्थ का, वो तो मिल ही जाएगा। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और ओ, एक और अचीवमेंट हमारी सिटी भोपाल से, श्रुति ने जीता इंडिया मिसेज इंडिया यूनिवर्स टाइटल। रेलवे में ट्रेन मैनेजर श्रुति सक्सेना ने गोवा में हुआ मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत लिया है। देश विदेश से आई 12 महिलाओं के बीच ये टाइटल अपने नाम किया। उन्होंने बताया, शुरू में मेरा सपना था ग्लैमर वर्ल्ड में जाऊं, लेकिन शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारी और जॉब के कारण समय नहीं मिला। मैं दिन में ड्यूटी के बाद घर में सभी काम खत्म कर रात में तैयारी करती थी। 6 इंच की हील पहनकर अपने कमरे में म्यूजिक लगा कर रैंप वॉक करती थी। योग और डाइट से 4 महीने में मैंने 18 किलो वजन घटाया। मेरे परिवार और पति ने इसमें बहुत साथ दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिसेस श्रुति सक्सेना जी। और अगर मौका मिलेगा तो मैं आपसे मिल लूँगा, आपका इंटरव्यू जरूर लूँगा मैं, बिकॉज अचीवमेंट्स आर अचीवमेंट्स। ओ गाइस, ये आर्कियोलॉजी से एक न्यूज़ है। पुरातत्वविद का दावा, मीन्स आर्कियोलॉजी का दावा, बड़वानी के जंगल में डायनासोर के अंडे मिले। ओ, जीवाश्म के 1 करोड़ साल तक पुराने होने के संकेत। पुरातत्व विभाग की सेंधवा विकासखंड वरना तहसील के जंगल में अंडाकार 10 चट्टाने मिली हैं। पुरातत्व विभाग इंदौर के पुरातत्वविद के अनुसार ये डायनासोर के अंडे हैं जो 60 लाख से 1 करोड़ साल पुराने हो सकते हैं। विभाग पुरातत्विक धरोहरी का सर्वे करवा रहा है। पुरातत्व डॉक्टर DP पांडे ने सेंधवा विकास खंड में 30 जनवरी से सर्वे शुरू किया था। 5 फरवरी को वे हिंगवा गांव के पास जंगल में गए, वहां अंडाकार चट्टानों की जांच की। इनकी ऊपरी सतह भुरभुरी है। जांच के संकेत मिले कि ये डायनासोर के अंडे हैं। डॉक्टर पांडे के अनुसार इस तरह के 10 अंडे मिले। सबसे बड़े अंडे का वजन करीब 40 किलो है, वहीं अन्य 25 किलो तक के हैं। 3 अंडों वे इंदौर लेकर आए, इन्हें इंदौर के संग्रहालय में रखेंगे। फॉसिल पार्क की योजना, वन SDO संदीप वास्कले ने बताया, पुरातत्व टीम अंडे लेकर गई है। उन्होंने जीवाश्म के डायनासोर के अंडे होने की जानकारी दी। क्षेत्र के संरक्षित करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए हैं। यहाँ फॉसिल पार्क बनाने की योजना बनाएंगे। गाइस, ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती होंगी ना जो हम लोगों के सामने ऐसी पड़ी रहती होंगी, लेकिन हम लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो हम लोग को नहीं मालूम है कि हो सकता है कि हम जिस पत्थर से खेल रहे हैं वो कोई मेटियोर का टुकड़ा हो। ऐसा होता ही होगा, आई एम श्योर। मोटिवेशन से कोई मार्ग छोड़ा या बदला भी जा सकता है। पथ भ्रष्ट होना कुछ नहीं अगर लक्ष्य भ्रष्ट ना हुए। अपनी कल्पना उस रूप में करें जैसे आप बनना चाहते हैं। याओ, हम वर्किंग ऑन इट ऑटोमेटिकली। एग्जाम पेरेंटिंग, एग्जाम का टेंशन बच्चों पर ना होने दे। हाँ भी, या गाइस, डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ एग्जाम। लाइक अगर आपको कुछ याद नहीं हो पा रहा है, या आपके मार्क्स भी कम आ रहे हैं, या एग्जाम बिगड़ने का आपको डर लग रहा है, तो
जस्ट टेक अ चिल, ओके, कि नथिंग इज इम्पॉर्टेंट देन योर मेंटल पीस, ओके, सो जस्ट टेक इट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, खराब ही जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेना। हर मौसम में है अखरोट फायदेमंद। ओ गाइस, अखरोट, या ये अखरोट के बारे में मैंने बहुत सुना है, और अब से मैं डेली अपनी डाइट में अखरोट लूँगा। लाइक मॉर्निंग में मैं अखरोट तो खाऊंगा, मैं आज ही लेकर आता हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं अखरोट, अब मैं डेली अखरोट और दो बादाम, ये तो मैं अपने डेली रूटीन में एड ऑन करने ही वाला हूँ, बिकॉज ब्लॉगिंग से एक्चुअली अपने आप को ही अपडेट कर लो, तो आप लोगों के सामने बोलूँगा तो मैं झूठ भी नहीं बोल पाऊँगा, या कभी ऐसा वो भी नहीं कर पाऊँगा कि नहीं यार आज नहीं करते हैं। तो इट इज द ट्रिक टू मेक योर सेल्फ अपडेट बाय ब्लॉगिंग, तो दीज आर द बेनिफिट, क्योंकि होना हो एक्चुअली एटलीस्ट हम लोग तो अपडेट हो ही जाएंगे। और ये लास्ट न्यूज है, शारजहां लाइट फेस्टिवल, रोशन भविष्य का जगमग नजारा। संयुक्त अरब अमीरात की शारजहां में इन दिनों सालाना लाइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार से शुरू हुआ लाइट फेस्टिवल 20 फरवरी तक चलेगा। इस बार के 11वें लाइट फेस्टिवल की थीम रोशन भविष्य की गूंज रखी है। इसमें शारजहां की विकास यात्रा को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। 10 स्थानों पर होगी रोशनी। शारजहां के 10 प्रमुख स्थान जैसे अल मजाज वाटरफ्रंट, अल नूर मस्जिद, अल रफीशा डैम और शारजहां मस्जिद पर रोशनी की जाएगी। साथ ही इस साल शारजहां में यहां आने वाले पर्यटकों के लिए फूड स्टॉल भी शुरू की गई है। कोरोना काल के कारण पिछले 2 सालों से ही बंद थे। सो गाइस, अगर कभी ट्रिप पे शारजहां गया तो मैं लाइट फेस्टिवल ज़रूर देखने वाला हूँ, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके गाइस, इसी के साथ हम न्यूज़ पॉडकास्ट का करते हैं दी एंड। हास्ता ला विस्ता, एडियोस अमिगोस, चाओ चाओ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।